तो ये मगरमच्छ, मगरमच्छ बड़े खतरनाक होते हैं वैसे, हम समझते हैं कि ऐसे नहीं है। वे, वे, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसकी इतनी गिरफ्त खतरनाक होती है कि अगर अल्लाह ना करे किसी की अगर हाथ पैर आ जाए तो दो टुकड़े भी हो सकते हैं। ये देख, तो आप समझो कि मगरमच्छ 80 घोड़ों की, इसकी जबड़े में 80 घोड़ों की ताकत है, 80 घोड़ों की ताकत है। इसका सिर्फ इसकी फितरत में है, ये किसी इंसान को या किसी जानवर को पकड़ लेता है तो फल्टियाँ मारना इसकी फितरत में है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पाकिस्तान के साथ, मैं हूं अब्दुलरहमान। नाज़रीन, आज मैं कराची की एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर एक शख्स ने 200 से ज़ायद मगरमच्छें पाल रखी। मज़ीद अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये अंदर जाने के बाद हमारी दोस्त बन जाएंगी। तो ये 200 से ज़ायद मगरमच्छ कैसे इन्होंने पाली, क्या इनकी तारीख है, अंदर जाकर जानते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से इनके साथ बर्ताव करते हैं और ये हमें किस नज़र से देखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बेशक अल्लाह की मखलूक है, जाहिर सी बात है। तो बेज़ुबानों को देना ये भी एक सदका जारिया है, ये समझे आप। मगर ये मैक्सिमम ये है बाबा जी की निशानी है, बाबा फरीद, ये देखे आ रहे हैं, ये देखे। तो इसी तरह, इसी तरह ये सारी चीज़ें आप देखें मैक्सिमम। ये इनकी उम्र तकरीबन 12-15 साल होगी, इसकी उम्र 15 साल, इसकी तकरीबन 15 साल उम्र है। तो जो बाबा जी को तोहफा मिला था तो वो तो जाहिर है इनकी क्रोकोडाइल की उम्र इतनी 8.5-9 साल नहीं होती, नहीं हो सकती, वो तो अब तक जो है उनकी डेथ हो गई जी। हाँ, वैसे तो इनकी उम्र अगर मैक्सिमम होने चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मगरमच्छ की उम्रें भी लंबी होती हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो जाए तो 150 से 200 साल इनकी उम्र हो सकती है, इंसान से मतलब 2 गुना ज़्यादा इनकी उम्रें हैं। बिल्कुल, तो ये मगरमच्छ ये हमारी तरफ बढ़ता है। तो ये मगरमच्छ, मगरमच्छ बड़े खतरनाक होते हैं वैसे, हम समझते हैं कि ऐसे नहीं है, आप देख रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब नहीं लट्टे ये डंडे अम्बू देख। तो ये आप देखेंगे इसकी ग्रिप कितनी खतरनाक होती है, वो भी मैं तुम्हें देखा। ये देखें, ये देख रहे हैं, इसकी इतनी ग्रिप खतरनाक होती है कि अगर अल्लाह ना करे किसी की अगर हाथ पैर आ जाए तो दो टुकड़े भी हो सकते हैं। ये देखें, तो आप समझो कि मगरमच्छ 80 घोड़ों की, इसकी जबड़े में 80 घोड़ों की ताकत है, 80 घोड़ों की ताकत है। इसका सिर्फ इसकी फितरत में है, ये किसी इंसान को या किसी जानवर को पकड़ लेता है तो फल्टियाँ मारना इसकी फितरत में है, तो तोड़ देता है, हड्डियाँ पसलियाँ हेक कर देता है ताकि उसको फिर आसानी से खा सके। ये मगरमच्छ इतने खतरनाक जानवर थे। बस बस, बस ये भी हमारे माशाल्लाह बहुत ही बड़े मगरमच्छ हैं। ये एकदम से अगर पूछ मारे किसी को, अल्लाह ना करे, या मैक्सिमम पकड़े तो मैं किसम इस एज में, इस एज के मगरमच्छों से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत हाई क्लास और बिग मगरमच्छ, सबसे बड़ा मगरमच्छ है। तो मैं समझता हूँ कि बस ये ज़रा हमसे मानूस इसलिए कि बुज़ुर्गों की चीज़ें हैं, उनकी निशानियाँ हैं, तो उस नस्बत से इस पर भी एक अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ा एक राज है। ये बुज़ुर्गों की निशानियां हैं, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह। लोग ज़ाहिर नहीं, यहाँ पर बाज़ ऐसे भी लोग आए हैं जो आते हैं, मीठा भी देते हैं, तो मीठा भी बड़े शौक़ से खाते हैं।
तो इसी नस्बत से ये सारे मामला जो है अल्लाह पाक अपना निज़ाम चला रहा है और अल्लाह बहुत बड़ा है। खुराक में ये दो चीज़ें इस्तेमाल अक्सर होते हैं क्योंकि बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख देखेंगे या उनकी जो खास तौर पर जो स्टोरी है बाबा जी की वो शकर से ही है पूरी स्टोरी, तो इनको जब हम मीठे देते हैं तो ये भी बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा, इस पर कोई शक नहीं होता है। मीठे हम देते हैं तो आज से नहीं, एक बरसा एक ज़माने से ज़ायरीन ऐसे हैं जो मन्नतें और मुरादें अपने पाने के लिए आते हैं कि भाई आज मुझे एक जॉब मिल गई या मेरे को अल्लाह पाक ने एक औलाद दे दिया। तब देने वाला तो रब की ज़ात ही है बेशक, मगर इला वसीले से अल्लाह पाक आसानी पैदा कर देता है। तो फिर आते हैं बड़ी खुशी खुशी, हार भी ले आते हैं, इतर भी ले आते हैं, पर हम इसे इतर भी लगाते हैं खुशबू, सही है ना। हाँ, तो गुलाब का हार जो होता है इसको भी पहनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं जो ज़ायरीन जिनके काम अल्लाह की तरफ से हो जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मैक्सिमम हमें देखें कि अल्लाह की बड़ी एक हिकमत है, एक बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, तो इनकी कदर होनी चाहिए इन चीज़ों की। महकमे के हवाले से भी जो जो जिस जिस के इदारे में जिन महकमे के एंटरप्राइज हैं उनको चाहिए कि ऐसे चीज़ों को, मुकद्दस चीज़ें हैं इनकी देखभाल सही होनी चाहिए, इनको खुराक टाइम से मिलनी चाहिए, इनको इनकी ग्राफिक बनाया जाए ताकि ये अच्छी फील करें, लोगों को यहाँ पे आने में मुश्किलात ना हो, देखे एक चीज़ को, कुदरती चीज़ें हैं ये, अनमोल तोहफे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दिए हुए तोहफे ऐसे हैं कि इनको संभालना तो बहुत इंतहाई हमारे लिए ज़रूरी है। साथ कुछ इदारे जो हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं या महकमे? जी जी जी, मैं कुछ सरकारी मुलाज़िम हूँ, मैं एक इंचार्ज हूँ, सुपरवाइज़र हूँ यहाँ पे। अच्छा, फिर दूसरी बात, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं तकरीबन 28-30 साल तो मेरी सर्विस को हो गए। वैसे तो हमारे बाप दादा परदादा तरदादा आप हम देखेंगे कि तकरीबन 850-900 साल हमारी 9 पुश्तों ने यहाँ पे खिदमात की है। तो इस खिदमात का यही है कि इन जो ज़ायरीन आते हैं मीठा ले आते हैं या कोई गोश्त ले आते हैं तो हम उनके सामने ही दे देते हैं, तो उनको बड़ी अच्छी फील होता है। तो साईं ने हमें ये बताया कि चलो गोश्त खिलाएँ तो हम दे देते हैं, ये है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो तालाब हम देख रहे हैं ये इनके लिए, एक तो कलर इसका बड़ा डिफरेंट लग रहा है, क्या पानी में कुछ मिलाया गया इसके? नहीं, ये कुदरती सल्फर पानी है। इस पर पूरी दुनिया में आप कहीं भी देखेंगे मगरमच्छ अगर देख लेंगे ना तो ग्रीन ही होता है पानी। कराची से मुझे इजाज़त दीजिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे और आपके साथ कुछ बात होगी, ये मज़ीद इनको खिलाते हैं और हम आपको ये देखिए बकरा जैसे भी काटा हुआ है, तो बकरे का गोश्त ताज़ा देखो, ताज़ा ले आते हैं और खुशी से मतलब देते हैं। ये वो ज़ायरीन है जो जिनकी मन्नतें होती है। अभी ये देखें, मैं इसी खिला रहा हूँ, अभी जैसे किसी की एक मन्नत थी जो उसकी अल्लाह पाक ने बस पूरी की है बेशक, तो अब मैं रियल दे रहा हूँ, तो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे जिसने भी लाया, जिसकी मन्नतें मुरादी थी, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो खुश नसीब हैं। जो सबसे बड़ा जो मगरमच्छ इसे खुशी खुशी खा रहा है, ये देखें तो ये सदका जारी है, तो सदका बलाओं को भी ऐसे भी टालता है। और जैसे कि ज़ायरीन बहुत सारे ऐसे हैं जो वो समझते हैं कि हमने दे दिए तो मगरमच्छ खुशी खुशी खा रहा है, तो अच्छी फील करते हैं, ज़ायरीन भी अच्छी फील करते हैं कि हमारी जो हमने गोश्त लाया तो ये मगरमच्छ खुशी खुशी खा रहा है। कभी कभार तो ऐसे होता है कि लोग बकरे ले आते हैं तो मगरमच्छ मतलब नहीं खाते हैं कभी कभार, ये भी एक बहुत बड़ा एक मौजा है हमारे यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है कि उसका पेट भरा हुआ है इसलिए नहीं खा रहा है, मगर बस इस तरह कोई कुछ रंग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब बाज़ ऐसे समझते हैं कि ये साईं ने क्यों ऐसे बोला। ये अक्सर मैंने ये देखा है कि सच्चे दिल से लाते हैं, उनके दिल में यही होता है, फील करते हैं कि हम खुशी खुशी ले जाएं, हक लाल की हमारी कमाई है तो वहाँ पर हम जाके सदका दें, तो यकीन मानो कि ये भी खुशी खुशी खा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इस तरह भी आप देखें कि मगरमच्छ ये खा रहे हैं ये मीट गोश्त, ये देखें ओह 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 ओह
ओह ओह ओह ओह ओह ओह